आज सभी लोग तो कह रहे हैं रक्षा करो रक्षा करो मेरी रक्षा करो। अब रक्षा मैं कैसे कर पाऊंगा, ये निर्णय मैंने ले लिया है। लक्ष्मी जी ने कहा कैसे आप रक्षा करेंगे, आप जलंधर को मार दीजिए। कहा जलंधर को कैसे मारूंगा, जलंधर थोड़ी मुझसे लड़ेगा, उसका धर्म लड़ेगा, पातिव्रत धर्म उसकी पत्नी का आ जाएगा, कवच बन करके उसकी रक्षा करेगा और मुझे चैलेंज देगा। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि आप क्या करेंगे, भगवान ने कहा कि मैं जलंधर से नहीं लड़ूंगा, मैं उसके पातिव्रत धर्म से लड़ूंगा, पातिव्रत धर्म से लड़ूंगा। अच्छा सही बताओ, भगवान ने धर्म ही नष्ट किया कि नहीं किया, बोलो भगवान किससे लड़े हैं, जलंधर से लड़े हैं कि पातिव्रत धर्म से लड़े हैं, जल्दी बोलो। पातिव्रत धर्म से लड़े हैं, भगवान ने युद्ध किया है और पातिव्रत धर्म नष्ट किया है। अब प्रश्न खड़ा हो गया, क्या लक्ष्मी जी ने कहा कि महाराज सारी दुनिया आज क्या क्या नहीं कह रही है, अब आप उत्तर दो, उत्तर दो। भगवान वही है वृंदा के पास, भगवान ने कहा लक्ष्मी तुम चिंता मत, क्योंकि उस युद्ध को देखने के लिए लक्ष्मी स्वयं आई थी, उस युद्ध को देखने के लिए कि वृंदा के पातिव्रत धर्म से कैसे ये लड़ेंगे, मैं भी तो जरा चल के देखूं। तो लक्ष्मी स्वयं देख रही है कि किस तरह से युद्ध हो रहा है और भगवान ने वृंदा के पातिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। अब वृंदा ने क्रोध किया और क्रोध में आकर के भगवान को श्राप दे दिया, जाओ मैं श्रापित करती हूं कि तुम पत्थर के हो जाओ। और फिर और क्रोध आया तो कह दिया पत्थर में भी काले पत्थर हो जाओ, जैसा कर्म किया है वैसे ही हो जाओ। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। लक्ष्मी जी ने कहा कि अब आपने क्या सोचा। भगवान ने कहा देखो लक्ष्मी, मेरा एक अवतार में नया अवतार और हो रहा है। क्या? कि मैं पत्थर बनूंगा लेकिन काला पत्थर बनूंगा, लेकिन जैसे ही मैं काला पत्थर बनूंगा तो मेरा नाम विष्णु नहीं होगा, मेरा नाम होगा शालिग्राम। बोलिए शालिग्राम भगवान की। और सुनो लक्ष्मी, अवतारवाद में सबसे ज्यादा सम्मान शालिग्राम का ही होगा। क्यों होगा कि नहीं होगा? अच्छा बताओ भाई, बड़े बड़े मंदिर भगवान के बनते हैं लेकिन पूजा मेन रूप से किसकी होती है मंदिरों में, जल्दी बोलो, शालिग्राम भगवान की होती है। बोलो होती है कि नहीं होती? एक विशेषता और है। लक्ष्मी ने कहा लेकिन प्रतिष्ठा तो जा रही है। भगवान बोले जितने अवतार हैं सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा शालिग्राम भगवान की। अरे और मंदिर बनेंगे, बड़े बड़े मंदिर बनेंगे भगवानों के, लेकिन बड़ी बड़ी मूर्तियां आएंगी लेकिन उन मूर्तियों की प्रतिष्ठा कराई जाएगी, लेकिन हम ऐसे भगवान हैं कि बिना प्रतिष्ठा के स्थापित हो जाएंगे और सबसे ज्यादा पूजा और सबसे ज्यादा सम्मान मेरा होगा। शालिग्राम भगवान की प्रतिष्ठा नहीं कराई जाती है, बोलो भाई कराई जाती है क्या? नहीं, ऐसे ही लाते हैं मुक्तिनाथ से और स्थापित कर देते हैं। बोलो कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं? और स्वयं प्रतिष्ठित हो जाते हैं और सबसे ज्यादा सम्मान चरणों तक भी दुनिया लेती है तो शालिग्राम भगवान का लेती। पुजारी अभिषेक भी करता है तो शालिग्राम भगवान का करता है, बोलो करता है कि नहीं? लक्ष्मी जी से कहा कि सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा बढ़ गई मेरी यहाँ और इसी वृंदा ने बढ़ा दी, और दुनिया कह रही है या तुम कह रही हो कि श्राप मिला है, मैं तो कहता हूं श्राप नहीं मिला, मेरा पावर बढ़ गया। क्या बढ़ गया? पावर बढ़ गया, प्रभाव बढ़ गया मेरा, और इसी ने बढ़ा दिया है पावर और प्रभाव। बोलो अंतर है इंद्र के चरित्र में नारायण के में? बोलो अंतर लग रहा है कि नहीं? और सुनिए मेरी बात। अब वृंदा जब इन शब्दों को सुनती है कि मेरा पावर बढ़ गया, मेरा सम्मान बढ़ गया, तो वृंदा आश्चर्यचकित हो जाती है और कहती है नारायण इतना सब सुनने के बाद, श्राप लेने के बाद भी आप अपना उत्कर्ष मान रहे हैं? उत्कर्ष? भगवान ने कहा हे वृंदा, मैंने जो कार्य किया है तुझे कष्ट हुआ है, लेकिन मैं तुझसे ये पूछ रहा हूं कि मैंने ये कार्य क्यों किया है। वृंदा ने कहा वही तो मैं समझ रही हूं कि आप धर्म हैं, लेकिन धर्म
तो धर्म की रक्षा करता है, लेकिन आपने तो धर्म को नष्ट किया। भगवान ने कहा कभी कभी मैं धर्म को भी चैलेंज देता हूं, धर्म को, और आज मैंने तेरे धर्म को चैलेंज दिया है और धर्म के साथ युद्ध किया है और उसे पराजित भी किया है। तो आप अधर्म को चैलेंज दें, लेकिन धर्म को चैलेंज आप क्यों देते हैं? भगवान ने कहा इसलिए देता हूं कि जो धर्म अधर्म की रक्षा करने में लग जाता है, ऐसे धर्म को नष्ट करने के लिए मैं स्वयं पहुंच जाता हूं और उसे सदा सदा के लिए समाप्त कर देता हूं, क्योंकि तेरा धर्म अधर्म की रक्षा कर रहा था। वृंदा चरणों में गिर पड़ी और कहती है प्रभु मुझसे भूल हो गई। क्या हो गई? भूल हो गई, अब मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने कहा क्षमा तो कर दूंगा, लेकिन भूल तो बहुत बड़ी थी, कहे बड़ी तो थी लेकिन क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा चलिए क्षमा कहे ऐसे नहीं, क्षमा का अर्थ होता है स्वीकार करना। क्यों? हमने क्षमा किया और स्वीकार कर लिया, लेकिन क्षमा कर दिया और स्वीकार नहीं किया तो कोई मतलब नहीं क्षमा का। आप मुझे स्वीकार करो तब मैं समझूंगी कि आपने मुझे क्षमा कर दिया। भगवान ने कहा पहले ये बताओ तुम अपनी भूल को स्वीकार कर रही हो? वृंदा ने कहा मैं अपनी भूल को स्वीकार कर रही हूँ, मुझसे भूल हुई। भगवान ने कहा जो जीव भूल करता है और भूल करने के बाद स्वीकार कर लेता है उसके जीवन का प्रायश्चित हो जाता है, और जब प्रायश्चित पूर्ण हो जाता है तो फिर परमात्मा स्वीकार कर लेता है। लेकिन शर्त एक है वृंदा के, पुनरावृत्ति नहीं करोगी। क्या नहीं करोगी? पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, दोबारा अपराध नहीं होना चाहिए। वृंदा कहती है प्रभु मैंने स्वीकार कर लिया अपनी भूल को, मैं प्रायश्चित भी कर रही हूँ, पुनरावृत्ति कभी होगी नहीं, लेकिन आप मुझे स्वीकार करिए। भगवान ने कहा तूने इतना तप किया है, इतना तप किया है कि आज मैं तुझे स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा परिवर्तन होगा। अभी वृंदा के रूप में तू जलंधर राक्षस की पत्नी रही, लेकिन तपस्या के प्रभाव से आज तू वृंदा से तुलसी बन रही है, और शालिग्राम भगवान का विवाह यदि होगा तो तुलसी के साथ होगा और किसी के साथ नहीं, केवल तुलसी के साथ होगा। शालिग्राम जी का विवाह किसके साथ होता है? वो तुलसी के साथ होता है कि नहीं होता है? ये प्रमाण है कि नहीं? और सुन लीजिए, चाहे विष्णु हो और चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, राम सीता के बिना रह सकते हैं, कृष्ण राधा के बिना रह सकते हैं, विष्णु नर लक्ष्मी के बिना रह सकते हैं, लेकिन शालिग्राम तुलसी के बिना नहीं रह सकते। अच्छा और सुन लीजिए भैया, शालिग्राम तुलसी के बिना नहीं रह सकते, लेकिन ना तो विष्णु तुलसी के बिना रह सकते हैं, ना राम तुलसी के बिना रह सकते हैं, और ना ही कृष्ण तुलसी के बिना रह सकते हैं। जब भी आप कोई वस्तु लेके जाओ तो सबसे पहले भगवान का संकेत रहता है तुलसी डालो इसमें तब मैं स्वीकार करूंगा। क्या डालो? तुलसी डालो तब स्वीकार करूंगा। त्रिभुवन की संपत्ति रख दो तब भी यही आदेश मिलेगा कि इसमें तुलसी डालो। अगर तुलसी नहीं डाल रहे हो तो ले जाओ, हटाओ हटाओ, स्वीकार नहीं। और तुलसी आपने डाल दी तो भगवान ने स्वीकार कर लिया। क्यों भाई? किससे स्वीकार किया जल्दी बोलो? तुलसी से। तो महिमा शालिग्राम की भी सर्वोपरि है और तुलसी की भी सर्वोपरि है। बोलो इस घटना से आपके समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आना चाहिए कि हम अपने जीवन में अपने प्रभाव का दुरुपयोग ना करें, बस यही एक अर्थ है। इंद्र ने दुरुपयोग किया प्रभाव का, किया कि नहीं किया? और जैसे ही इंद्र ने दुरुपयोग किया और दुरुपयोग करने के बाद इंद्र ने अपनी गलती को स्वीकार नहीं किया। वृंदा ने प्रभाव का दुरुपयोग किया था तो गलती को स्वीकार किया, तभी तो वो तुलसी बनी और भगवान शालिग्राम बन के स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन इंद्र ने गलती को स्वीकार नहीं किया, और जब गलती को स्वीकार नहीं किया तो गौतम ऋषि ने श्राप दे डाला। बोलो श्राप दे डाला कि नहीं? और श्राप देने में एक ही शब्द निकला है, क्या? गौतम ने कहा अहिल्या से तू पत्थर की हो जा, इंद्र से कहा तू सहस्त्र योनिज हो जा। सहस्त्र योनिज का अर्थ है रोम रोम से रक्तस्राव होने लगा उसके, यानी रोगी हो गया। क्या हो गया? रोगी हो गया।
रोम रोम से रक्तस्राव होने लगा, उसके रोगी हो गया है। ऐसा रोगी तो संसार में कोई है नहीं। अश्विनी कुमार जैसा राज वैद्य, स्वर्ग का वैद्य है अश्विनी कुमार, लेकिन अश्विनी कुमार भी इंद्र की बीमारी को दूर नहीं कर पाया। बोलो भाई, एक तपस्वी महात्मा ने श्राप दिया। किसने श्राप दिया था? गौतम ऋषि ने दिया था। बोलो, दिया था कि नहीं? वैद्य में, औषधि में ज्यादा ताकत है कि संत की साधना में ज्यादा ताकत है? बोलो, संत की साधना में ज्यादा पावर होता है। समझ लेना इस बात को। श्राप मिल जाएगा तो याद रखना, कोई विकल्प नहीं बचेगा कि कहां जाके तुम उस श्राप से मुक्त हो पाओगे। कोई विकल्प नहीं बचेगा, आपके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। महात्मा गौतम ने श्राप दिया कि तू सहस्त्र योनि हो जा। रोम रोम से रक्तस्राव होने लगा। अश्विनी कुमार से खूब इलाज कराया, लेकिन अभी तक ठीक नहीं हुआ है। याद रखना, परिणाम भुगत रहा है। लेकिन कब ठीक हुआ है? जब उसने जनकपुर में जाकर के भगवान का दर्शन कर लिया इंद्र ने, तब वह इस बीमारी से दूर हुआ। बोलो, हुआ कि नहीं? भैया, ऐसी बीमारी आ जाती है कि डॉक्टर और दवा दोनों जवाब दे देते हैं, लेकिन चमत्कार कब होता है? जब किसी संत की दुआ लग जाती है या भगवान की कृपा हो जाती है। क्यों भाई? या तो साधु की दुआ लग जाए या भगवान की कृपा हो जाए, तो बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है। एक चित्रकूट की घटना आपको सुनावे, ये बिल्कुल। और वो व्यक्ति अभी जिंदा है, मरा नहीं है। हमीरपुर जिले का एक व्यक्ति, लगभग उसकी आयु थी 62 वर्ष की, आया तो भगवान कामतानाथ के मंदिर में लेट गया और कहने लगा कि हमारी बीमारी दूर कर दो। पुजारियों ने सुना, कहे ठीक है, भगवान सुनेंगे। परिक्रमा करके वो चला गया भाई, लेकिन बीमारी जो है कैंसर वाली थी भैया। अब कैंसर वाली थी बीमारी, तो उसने इलाज कराया, जितना सामर्थ्य था सामर्थ्य अनुसार इलाज कराया। कुछ जमीन अमीन भी बिक गई उसकी, लेकिन फिर भी कैंसर कहाँ ठीक होता है। उसने कहा लड़कों से कि बर्बाद तो तुम मेरे पीछे, मैं तो मर ही रहा हूं, तुम क्यों बर्बाद हो रहे हो? अब तो मैं चित्रकूट जाऊंगा, वहीं रहूंगा, और जो मिल जाएगा वहां खाऊंगा। जब तक जिंदा रहूंगा तब तक रहूंगा। वो बीमारी आज भी उसके है, लेकिन न दवा लेता है न घर जाता है। और लगभग लगभग उसको आज 5-6 साल हो गए, दवा छोड़ दी उसने, न घर छोड़ दिया, दवा छोड़ दी, बच्चों से कहा कि अब तुम हमको मरा हुआ समझो, अपना काम करो। रहता वही है चित्रकूट में, भ्रमण कामतानाथ की परिक्रमा करता है, जो प्रसाद मिल जाता है। हमारे यहाँ कामतानाथ में हजारों का भोजन प्रसाद नित होता है, औषधि निःशुल्क वितरित की जाती है आयुर्वेद की, कहीं कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। चाहे राजा हो चाहे भिखारी हो, कोई भी आ जाए, औषधि आयुर्वेद पर विश्वास करता है तो आयुर्वेद की पद्धति से इलाज होगा, औषधि निःशुल्क मिलेगी। चाहे राजा हो चाहे भिखारी हो, भूखा है तो भोजन मिलेगा पंगत के समय पर। और यदि व्यक्ति रुक रहा है तो चाहे राजा हो चाहे मजदूर हो, उसको रहने के लिए छाया कामतानाथ में दी जाएगी निःशुल्क, कहीं कोई शुल्क नहीं। तो इस तरह से हमारे संस्थान में, क्योंकि मैं वर्तमान में कामदगिरि पीठाधीश हूं, जहां प्रमुख द्वार से परिक्रमा प्रारंभ होती है, भगवान राम ने 11.5 साल जहां तप किया है जिस पर्वत पर कामदगिरि पर, उस पीठ का पीठाधीश हूं। देखो भाई, तुम लोगों का कहीं ना कहीं हमारा तुम्हारा एक तार जुड़ा होगा प्रारब्ध का, तभी तो तुम्हारे बीच में आ गए। क्यों भाई? कोई प्रारब्ध तो जुड़ा है हमारा तुम्हारा, इस भूमि से जुड़ा है। ये नागेंद्र जी ने हमको धनबाद में बुलाया था, यज्ञ किया था वहाँ पुटकी, क्योंकि धनबाद शहर में और उधर आपके बोकारो बेरमो वगैरह में मेरे बहुत कार्यक्रम झारखंड में होते रहते, रांची वांची सब जगह, तो इन्होंने बुलाया नागेंद्र जी ने पुटकी में। तो उस समय से कुछ ऐसा संबंध, ऐसा नाता, साध्वी जी को तो बुलाते रहते हैं, ये तो 2-3 बार गई, मैं तो एक ही बार जा पाया हूँ। क्यों भाई? पुटकी एक बार गया हूँ, और उस समय भी हमको देखो कलकत्ता जाना पड़ा, कलकत्ता से कहाँ वहाँ गए थे, विशाखापट्टनम गए, विशाखापट्टनम से फिर लौट के आए, फिर
बड़ी दिक्कत में हम पुटकी पहुंच पाए थे, समझ लीजिए। पुटकी आए, फिर कलकत्ता चले गए छोड़ के प्रोग्राम पर, विशाखापट्टनम, फिर लौट के आ गए पुटकी। तो उस समय की यात्रा में भागदौड़ बहुत हुई, लेकिन इनका प्रेम अभी तक इनकी श्रद्धा है। जब भी चित्रकूट जाना होता है आश्रम में रुकते हैं, यहाँ से क्षेत्र के लोग जो भी जाते हैं वहाँ आश्रम में रुकते हैं। आपके बालकृष्ण जी शास्त्री थे, पंडित बालकृष्ण शास्त्री जी, आपकी चर्चा बहुत कर, राकेश दर्जी की चर्चा करते रहते थे। आपके यहाँ से भी हंडिया से बहुत लोग जाते रहते हैं परिक्रमा करने के लिए। चित्रकूट वो पत्रकार जी का नाम आपने जो लिया पत्रकार का, तो वो सब जाते रहते हैं, बहुत लोग जाते हैं प्रयाग क्षेत्र से, काफी लोग पूरी दुनिया से आते हैं। लेकिन आपके क्षेत्र के लोग वास्तव में किस विधि से जाते हैं श्रद्धा से, और किस तरह से श्रद्धान्वित होकर कामतानाथ जी से मांगते हैं, और कामतानाथ जी उनकी श्रद्धा को पूरा करते हैं, उसकी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं, इस क्षेत्र के लोगों ने अपने अपने अनुभव मुझे बताए हैं। कामतानाथ भगवान के अनुभव बताए हैं कि महाराज ये अनुभव हमें हुआ, चित्रकूट कामतानाथ से मुझे मिला। मैंने कहा भैया कामतानाथ से तो भगवान राम को मिला है, तो तुम्हें क्यों नहीं मिलेगा? क्यों भाई, जब भगवान को ही मिला है